जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विदाउट स्ट्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, कैसे है हालचाल तुम्हारे और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आई होप कि बहुत ही अच्छे होगे तुम और पढ़ाई लिखाई भी जम के कर रहे होगे और गर्दा को उड़ा रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसा बोला था हिस्ट्री के नोट्स के बारे में, वो देने वाला हूँ। तुम एक बार देख लो कैसा है। नोट्स मैंने ये खुद बनाया था प्रीवियस ईयर मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने कैसे बनाया था इस नोट्स को, वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो पहले तो मैंने एनसीईआरटी को रीड किया था, उसके बाद मैंने स्कूल के जो टीचर्स थे, मेरी मैम थी, जो उनके लेक्चर्स को अटेंड किया था, वो काफ़ी अच्छे थी और बहुत ही एजुकेटेड थी और बहुत अच्छे पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने हिस्ट्री यूट्यूब से भी हिस्ट्री के कुछ सेशंस देखे थे, उस सबको मिस करके मैंने बहुत ही कंबाइंड ब्रीफ में बहुत ही डिटेल पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक्स नोट्स बनाया है, जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है तुम्हारे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। तो ये तुमको मिलेगा कैसे, वो सबसे बड़ी बात है। तो पहले जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर दो लिंक दिया होगा। वहाँ पहला जो लिंक होगा वो गूगल ड्राइव का होगा, अगर वो ओपन नहीं होता है तो तुम दूसरे लिंक पर आना, वो टेलीग्राम का लिंक है, और वहां से तुम इजीली नोट्स को अवेलेबल कर सकते हो अपने पास। चाहो तो उसको तुम प्रिंट भी करा सकते हो या तुम ऐसे भी रख सकते हो। अगर तुमको कोई भी दिक्कत हो रही है नोट्स को निकालने में, तो तुम सिंपली मुझे डीएम करना इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी विदाउट स्ट्रेस 23, वो भी तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तुम करके तुम नोट्स को अवेलेबल करा सकते हो। दोस्तों, मुझे एक और सबसे बहुत दिन से ये बात मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं जो कि सिर्फ व्यूज के लिए रोज रोज एक नया मोटिवेशन ला रहे हैं, नए नए एक स्टडीज ला रहे हैं। तो ये सब पे तुमको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर तुम पढ़ने वाले हो तो तुम पढ़ोगे ही, अगर तुम नहीं पढ़ने वाले हो तो नहीं पढ़ोगे। तुम देख रहे होगे, तुम पढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता, उसका तब पर भी मार्क्स आया है नीट में इतने मुश्किल के बाद भी, और जो नहीं पढ़ता वो कभी नहीं पढ़ने वाला है। वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। और मोटिवेशन की जहां तक बात करूं मैं, तो तुम अपने अंदर इंस्पिरेशन लाओ यारो, क्योंकि जो तुमको एक ट्रू इंस्पिरेशन दे सकता है वो कभी मोटिवेशन नहीं दे सकता। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम मान लो एक मोटिवेशन वीडियो देखते भी हो और कॉमेडी वीडियो फिर देख लेते हो, तो कुछ समय बाद क्या होता है, तुम वो मोटिवेशन को भूल जाते हो और फिर से अपना नॉर्मल लाइफ को जीने लगते हो। तो अपने अंदर एक इंस्पिरेशन लाओ यारो। इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारे फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या तुम्हारे कोई आसपास के लोग हो सकते हैं, या तुम्हारा कोई टारगेट हो सकता है, या कोई गोल हो सकता है। तो अपने अंदर इंस्पिरेशन लाओ, जिसको तुमको काम करने के पूरे एनर्जी देगा, तुमको मोटिवेट खुद करेगा इंस्पिरेशन। एक मोटिवेशन तुमको रोज लेना पड़ेगा, लेकिन इंस्पिरेशन एक बार में तुमको काम करके दे देगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता हूं इन सब के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही मुझे कहना था। और एक और बात दोस्तों, कि हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 का नोट्स है वो भी जल्दी आने वाला है, और मैं इकोनॉमिक्स के में फ्रेंड्स के नोट्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। और ज्योग्राफी के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि मुझे सबसे मतलब हार्ड लगता था ज्योग्राफी, इसीलिए मैं उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाया। अगर मिल जाता है तो वो भी मैं डाल दूंगा। और एक और बात, कि मैथ्स के मैंने कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकाले थे मेरे बोर्ड टाइम में, जो एग्जामिनेशन गैप मिलता है ना, उसी में मैं उन सबको सॉल्व किया था। मुझे बहुत ही एक कॉन्फिडेंस टाइप का मिला था, तो वो मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, और तुमको जो भी क्वेश्चन नहीं बने वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा तुम्हें खुद। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू, और स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम हो तभी एग्जाम है। सो इसी बात से हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, खत्म, बाय बाय, टाटा।